अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। प्यारे बहन भाइयों, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह मियाँ परेशानियों को मुझसे बचाए, कामयाबियाँ अता करें। मैं अपने विलाग का स्टार्ट ले रही हूँ। आज जुमे का दिन है, सबको जुमा मुबारक हो। मुफ्ती साहब बयान दे रहे हैं, बहुत प्यारा बयान देते हैं। तो सारा दिन आप मेरे साथ रहें, जो जो रूटीन होगी आपके साथ शेयर करूंगी इंशाल्लाह। आखिरी वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से फरमाया कि याद को मेरे करीब लाओ। जब सहाबा इकराम ने हजरत याद रजी अल्लाह अन्हु जख्मों की हालत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब लाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, याद कोई हस्तक है, कोई आरजू है दिल में? अपने कदम मुबारक करीब आपके कदमों के अपने रुखसारों को कदमों के तलों के साथ रखा, अपना सर मुबारक आपके कदमों में रखा, उर्ज किया कि आपके कदमों के नीचे मेरी सांस निकल जाए, मेरा दम निकल जाए, यही मेरी हसरत है, यही मेरे दिल की आस। इससे बड़ी कोई ख्वाहिश नहीं। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा इकराम की मोहब्बत थी कि जान जा रही है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जरा बराबर भी कमी नहीं आ। अपने अजीज व अकारिब का ख्याल नहीं है। यही साबित ने नबी छोटी सी बच्ची, लेकिन मौत के वक्त ही नहीं कर रसूलुल्लाह मेरी बच्ची का ख्याल कर, सहाबा इकराम से ही कर मेरे बच्चों का ख्याल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करनी है। बाद में जब उनकी बच्ची आती थी अबू बकर के जिद रजी अल्लाह ताला के दौरे खिलाफत मुलाकात के लिए, तो हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला ने अपनी चादर उनके इकराम में बिछाते। उमर रजी अल्लाह पूछते, अबू बकर ये कौन है जिससे तू इतना इजाज कर रहे हैं? तो अबू बकर रजी अल्लाह से, ये साथ की बेटी जिसने मरते वक्त भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुआएं दी। जिसको मौत के वक्त भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिक्र। अब्दुल्लाह बिन जाश रजी अल्लाह ताला का वाक्य सुनते रहते तो लैला नाम के अंदर भी मौजूद। साद इब्न अबी वकास रजी अल्लाह ताला कहते हैं, मुझे बुलाया, बैठाया और कहा चलो दुआ करते आज। अपनी अपनी दुआ को पहले साथ इतने भी वकास रजी अल्लाह ताला ने दुआ की कि अल्लाह जब मुकाबला हो, सख्त दुश्मन मेरे मुकाबले में आए, वो मुझसे वार करे, मैं उस पर वार करूँ, फिर मैं उस पर गालिब आ जाऊँ और उसको अल्लाह की रजा के लिए जानना बातें कर दूँ। अब्दुल्लाह ने जैश रजी आमीन आमीन की दुआ देखी, फिर के दोनों ने दुआ मांगी कि अल्लाह मेरा मुकाबला सख्त दुश्मन से हो, वो मुझ पर वार करे, मैं उस पर वार करूँ, आखिर वो मुझ पर गालिब आ जाए और मैं तेरी गांव में शहीद हो जाए और मेरे कान ना काट दे, कल जब या अल्लाह तेरी बारगाह में हाजिर हो तो तू पूछे अब्दुल्ला ये किस लिए कटवाए, गर्दन किस लिए कटवाई, अपने कान नाक हाथ पाँव किस लिए कटवाए, तो मैं कह या अल्लाह ये तेरे लिए और मैं सबक था दुबई
अल्लाह ने वो बयान कबूल फरमाया। तो जान की परवाह नहीं की, अपना खून बहाया, अपने जिस्म के टुकड़े करवाए, ये भी चलता है। अगर इब्न जनाब रज़ियल्लाहु ताला मौजूद साहब जी, हाँ जी, हाँ जी, ये मेरे उस्ताद भी हैं मुफ्ती साहब, मुझसे उम्र में छोटे हैं, लेकिन इनका बयान हर जुमे को जिस हवाले से महीना चल रहा होता है इस्लामी, उस हवाले से ये बयान देते हैं और ज़बरदस्त बयान देते हैं, और बंदा कहता है सुनता ही रहें। इनसे मैंने फ़िक़्ह की जितनी भी बुक्स हैं वो मैंने पढ़ी हैं, तिर्मिज़ी शरीफ वगैरह सारा कुछ मैंने इनसे पढ़ा है। बहुत लायक फ़ायक और बहुत नेक इंसान है। हमेशा मैं इनके बयान सुनती हूँ, और कोई मसला मसाइल हो तो इनसे लाजमी मैं पूछती हूँ। ऐसे तो मैंने भी पढ़ा हुआ है सब कुछ, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसी बात होती है जिसके बारे में सही आदमी को इल्म नहीं होता, और जब तक सही इल्म ना हो इंसान को तो वो आगे बयान नहीं करनी चाहिए। इसलिए दूसरों से मदद लेनी चाहिए, जो आलम वगैरह हो ज़्यादा, जिन्होंने पढ़ा हो, मुफ्ती हो, उनसे लाजमी आप मदद लें और मसाइल अपने उनसे हल करवाएँ। तो ये आज हम मैंने कहा थोड़ा सा आपको बयान सुनाऊं। हमेशा हर जुमे को इंशाल्लाह मैं आपको थोड़ा थोड़ा इनका बयान सुनाया करूंगी। हर मौजू पे ये बयान देते हैं और ज़बरदस्त लोग खामोश होकर इनके बयान सुनते हैं। चलें आप मेरे साथ रहें, बाकी की रूटीन जुमे की आपके साथ शेयर करती रहूँगी। खाना खा चुके हैं जी दोपहर का, अभी मैं नीचे वाले पोर्शन में जाऊंगी। ख़त्म पढ़ा रहे हैं छोटा सा यासीन का, खुद ही पढ़ रहे हैं बल्कि बैठ के। बेटा मेरा कल गया है तो उसके लिए मेरी बहू ने ख़त्म माना हुआ था, तो वो ख़त्म अभी पढ़ेंगे यासीन का। मेरे पोते छलियाँ लेके आए हैं, वो खा रहे हैं। छोटे ने तो मेरे लिए हिस्सा निकाला था, आधा मुझे निकाल के दिया है, तो बड़े ने पता नहीं माँ को दिया किसको दिया, उसकी भी आफ हुई हुई है। दादा का मोबाइल लेके बैठ गया है, और ये तो नमाज भी पढ़ के आया जी, टोपी पहनी हुई है। छोटा नहीं गया नमाज के लिए, उसको नहीं लेके जाते, हालांकि मैं कहती हूँ लेके जाएं, लेकिन वो जाके मस्तियाँ करता है फिर नहीं लेके जाते। हाँ जी तुसी पढ़ सो बस, जितनी बारी पढ़ी ने दस छोड़ियो। मैं नीचे जा रही हूँ जी, मौसम रात को तो बहुत तूफान था, हवा आंधी और बिजली चमक रही थी, बारिश ज़ोर से इतनी चीज़ें गिर रही थी, गड़ा जोर आ था। अब ज़रा पुरसकून माहौल है, सुबह से सुबह भी बारिश थी, फजर के वक्त मैं उठी हूँ तो उस वक्त भी बारिश थी, तो अभी मौसम बेहतर हुआ हुआ है, लेकिन अभी बारिशें हैं बताई हुई नहीं। देखें जी कितना प्यारा गुलाब खिला हुआ है, सब्ज़ा मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है, ये फूल, ये सब कुछ हर बंदे को ही करते हैं, लेकिन मैं
ये देखिए जी, ये भी फूल बनेगा, ये भी अब निकलने शुरू हो गए हैं। हमारा टी टाइम हो गया जी, चाय बन रही है, चीज़ें प्लेटों में डाल दी हैं, रोल बने हुए हैं, नमक भारी हैं, बिस्किट्स हैं। अभी हम दुआ के लिए गए हुए थे मामू के घर, दुआ करके आए हैं वापस उनके घर से। हम चाय वगैरह पियेंगे। हाँ जी, अभी हम चाय पीने लगे हैं। इसके साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। ज़िंदगी रही तो कल मुलाकात होगी। जा रहे हैं, खुश रहें, आबाद रहें, अलामिया के हिफ्ज़-ओ-अमान में रहें। मेरी वीडियोस को पूरा देखा करें और अपने दोस्तों में शेयर भी किया करें। अल्लाह हाफिज़।